फ्रेंड्स আমরা চলে এসেছি মানি কন্ট্রোলের উপর এবং আজকে আমরা বিশেষ একটি স্টককে নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি টাটা গ্রুপের স্টককে নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি যার প্রাইস চলছে 878 টাকার কাছাকাছি এফপি 2 উইক হাই আছে 1534 এর কাছাকাছি দেন সেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 827 অবধি নেমে এসেছিল একদম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওভারসোল্ড জোনের কাছে এসে পৌঁছেছিল দেন সেখান থেকে বাউন্স ব্যাক করে এই মুহূর্তে 878 ट्रेड कर तो चलो कम्पानी मध्य देखते रेटिंग के अपग्रेड करा पॉजिटिव एंड स्टेबल बढ़ा हे तो क्यों बला हे पिछने की लजिक देा हे से विषय आज के आलोचना करब तरह फ्रेंड्स एखो अब स्टॉक बेंगली चैनल के सबसक्राइब ना कर सबसक्राइब कर नीन ये नतून नतून बांगलाते भिडियो देखार जो फ्रेंड्स मुहूर्ते देखे नब प्राइस परफरमेंस कैमन आज कम्पानी सवार प्रथम जो देखा खूब ही इम्पोर्टेंट आज कंटिन्यूसलि तीन मास धरे स्टक नेगेटिव मुभमेंट देखिए एक बचरे देखते नेगेटिव परफरमेंस देखिए -25% मत किन्तु थ्री इयर्स जो देखें तो देखते 74% मत पॉजिटिव परफरमेंस देखिए राइट तो कंटिन्यूसलि देखते एक बचर धरे कम्पानी से भावे परफरमेंस देखा नहीं किन्तु तीन बचरे देखते कम्पानी परफरमेंस देखिए वॉल्यूम जो देखें तो देखते आज के 86 लाखेर वॉल्यूम जेनरेट राइट येस्टरडे देखते 90 लाखेर वॉल्यूम जेनरेट हो वन वीक आगे देखते 1 करोड़ वॉल्यूम जेनरेट हो वन मंथ आगे देखते 99 लाखेर वॉल्यूम जेनरेट हो तो वॉल्यूम कंटिन्यूसलि देखते एर मध्य किन्तु जेनरेट हो कम्पानी मध्य एक ही दिन बाइंग एवं सेलिंग प्रचंड परिमाणे चलते तो से कारण जो वॉल्यूमेर नम्बरों देखते अनेकटाई बेशी आछे कम्पानी नाम देखार आगे फ्रेंड्स कम्पानी मध्य सेल्स कैमन होता देखे नब 2018 साले कम्पानी मध्य सेल्स छो 1,23,000 करोड़ 2019 देख फ्रेंड्स 1,57,000 करोड़ हलो 2020 1,48,000 करोड़ 2021 1,56,000 करोड़ राइट ए बचर हमें देखते 2,43,000 करोड़ हो दाड़ी है तो ए बचर हमें देखते कम्पानी मध्य सेल्स अनेकटाई बेड़े जो सेल्स बेड़े तक डेफिनेटलि रेवेन्यूर मध्य इनक्रीज तो डेफिनेटली मुहूर्ते से ही कारण देखते ब्रोकरेज हाउस दिए एर मध्य रेटिंग के अपग्रेड करा सेल्स ग्रोथर ऊपर जो नजर रखबें तो 2018 देखते 10% छो दें 28% 2020 नेगेटिव हलो 2021 मात्र 5% देखते पावा जाए से ही नम्बर ए बचर हमें देखते 56% हो दाड़ी है तो डेफिनेटली मुहूर्ते देखते बचरता क्योंकि कम्पानी दारूण दारूण एक परफरमेंस देखिए कंपनी मध्य सेल्स प्रचंड परिमाणे बेड़े तो से कारण जो सेल्स ग्रोथर मध्य इम्प्रूव देखते पावा नेट प्रॉफिट जो देखें तो 13,000 10,000 1,500 7,000 ए बचर हो 40,000 करोड़ मत तो फ्रेंड्स देखो नेट प्रॉफिटर मध्य जम देखते पावा तो कंपनी नाम अपन सामने आज है टाटा स्टील लिमिटेड टाटा स्टील फ्रेंड्स स्टील सेक्टर स्टक आज तो डेफिनेटलि मध्य वॉलेटिलिटी प्रचंड परिमाणे देखते पाव जाए किंतु 2022 देखते कम्पानी मध्य सेल्स प्रचंड परिमाणे बेड़े एर जो प्रोडक्ट आज से देखते प्रचंड परिमाणे मार्केटे डिमैंड छो से कारण एर मध्य सेल्स बेड़े प्रत्येक बचर हमें देखते पाई टाटा ग्रुपर मध्य TCS सब चे बेशी परिमाणे रेवेन्यू आसे किन्तु CS के देखते ए बचर पेचने फेले दिए टाटा स्टील के देखते टाटा स्टीलर मध्य देखे प्रचंड परिमाणे रेवेन्यू ए बचर खूब ही बेशी परिमाणे जेनरेट हो राइट तरह फ्रेंड्स कम्पानी लार्ज कैप कम्पानी आज आर आज 42% मत कम्पानी साथ भारी डिविडेंडो प्रोवाइड कर अलमोस्ट 6% मत डिविडेंडो प्रोवाइड कर तो कम्पानी दिखे अवश्य फ्यूचर नजर रखते चलो चले न्यूज़ेर ऊपर यह मुहूर्ते देखते मॉडिज़ तरफ थे टाटा स्टीलर मध्य रेटिंग के अपग्रेड करा मुहूर्ते पॉजिटिव एंड स्टेबल बला हो तो फ्रेंड्स मुहूर्ते देखते कम्पानी मध्य प्रचंड परिमाणे रेवेन्यू एसेछे राइट सेल्स बेड़े और से ही जो प्रॉफिट से ही प्रॉफिटा दिए कम्पानी मन कर डेपटा के किछुटा कम कर तो डेफिनेटली कम्पानी ए मुहूर्ते भावना चिंता कर फाइनेंशियल ईयर 2023 मध्य कम्पानी तर डेपथ के किन्तु अनेकटाई कम करते चले तो मुहूर्ते टाटा स्टीलर दिखे अवश्य किन्तु आमरा नजर रखते पारी टाटा स्टीलर मध्य अलरेडी अनेकटा करेक्शन चले 1500 लेवल थेके अलमोस्ट ए स्टक के आमरा देखते 800 लेवल अब्दि चले एखाने देखुन स्ट्रंगली सपोर्ट निये बाउंस बैक
করা শুরু করেছে। বারবার এখানে দেখুন এই লেভেলটা খুবই মারাত্মক লেভেল আছে, বারবার স্ট্রংলি সাপোর্ট নিয়ে কিন্তু উপরের দিকেই মুভমেন্ট দেখিয়েছে। এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি পজিটিভ ক্যান্ডেল আছে, রাইট। আরএসআই নাম্বার যদি দেখবেন তো একদম 28-এর কাছে এসে পৌঁছেছিল, এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি 34। তো এখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওভারসোল্ড জোনের কাছেই কিন্তু আছে। তো এই মুহূর্তে এই প্রাইসে অবশ্যই টাটা স্টিলের দিকে নজর রাখা যেতে পারে ফিউচারের জন্য। কোম্পানিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোম্পানি কিন্তু পারফরমেন্স এবছর দারুণ দেখিয়েছে, সেলসের মধ্যে ইম্প্রুভ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, রেভিনিউ এসছে এবং কোম্পানি তার ডেপথকেও অনেকটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কম করার কথা ভাবনা চিন্তা করছে এবং ব্রোকারেজ হাউস দিয়ে এই মুহূর্তে রেটিংকেও আপগ্রেড করা হয়েছে। তো ডেফিনেটলি ফিউচারের জন্য কিন্তু টাটা স্টিলের দিকে নজর রাখা যেতে পারে। কমিউনিটির মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি 79% বলছে বাই করার জন্য, 15% বলছে সেল করার জন্য এবং 7% বলছে হোল্ড করার জন্য। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা কী ভাবছেন এই কোম্পানিকে নিয়ে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। ইনফরমেশন যদি ভালো লাগছে তাহলে কিন্তু ফ্রেন্ডস ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। চলুন দেখা হবে একটা নতুন ভিডিওর সাথে, লাস্ট অব দি ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।